चल यार बीती बाय बड़ पहाड़ दूंगा यार भाई, बहुत खुद लगने यार बड़ घर माँ कसम। क्या हूँ यार राम हो गया खड़ी यार अपन घर पर आ बात कर ला यार, पलायन तो रुक ला कम से कम यार, जान से पलायन रुक जा यार। और गुत्ती क्या प्लान चल रहा तुम्हारा? भाई यार मैं प्लान ना पलायन बात करो छो, जो लोग पहाड़ छोड़ जाना चाहिए बात करो छो। पलायन क्या होता है पलायन? अरे मैं गुत्ती देख समझ चालू क्यों हूँ पलायन चलना तो मैं बता तुम दियो थे आज पलायन मतलब क्यों हूँ। हाँ भाई मंगलू अपना फोन हिमका गाँव बैठे छे तू लैंड शॉट ऑन डेरा खाल का हूँ। अच्छा तो डेरा खाल गाँव छे कदा कूड़ा जी तुम्हारे गाँव में चले थे बताए जी? 30 घर है हमारे गाँव में। अच्छा 30 घर जी रहा कदा जी तुम्हारे गाँव में? 30 में से 5-6 घर में रहते हैं लोग। 30 घर में बैठेगी 5-6 मोही रहेगी तुम्हारे यार, अब बाकी सब रह जाएगी टूट तुम्हारे खबर रहेगी अपूंगा तुम्हारा बांध फोड़ दी तुम्हें तुम जो थे ये समझा था उनसे ये हुआ पलाए तुम अपन पूरा जो घर कुंगड़ी छोड़ी जाना था घर में तुम्हारे कोई रही नहीं सब शहर चल गई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय देवभूमि जय उत्तराखंड। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे ये बताना चाहूँ कि जो पलायन मुद्दा च यो खाली मुद्दे ही रह गया, एक्चुअल में यो उभर नहीं पाया। हाँ मन तो छो में कि रोजगार एक साधन हो सकते बहरान, पर अपन जो पुस्ते निश्चित से वो हमेशा करना छो जाओ और प्रॉपर जाओ है कि नहीं। आज कल बात हो लोग करना छा ना जो देवभूमि या जमीन से कोई नहीं जुड़िया शहर में रह बड़ी बड़ी बात करना चाहिए नए नए गाने निकलना चाहिए, तो ये तो करे कोई फायदा नहीं चाहिए। तो हम ही कर दो जावा पड़ा और जावा देखा जय देवभूमि जय उत्तराखंड।